जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपसे निवेदन है कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुनें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई। आश्रम पहुंचने पर ब्राह्मणी को पता चलता है कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं, जिनसे गंधर्व नरेश के आक्रमण के बाद इनका राजपाट छीन लिया गया है, जिसके बाद ऋषि शांडिल्य उन्हें उनके राज को वापस पाने के लिए प्रदोष व्रत करने को कहते हैं और पूरी विधि बताते हैं, जिसके बाद ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड्ढे राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।